हेलो स्टूडेंट्स, टर्निंग पॉइंट टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। अभी हमने इरिगेशन के अंदर अभी तक इरिगेशन के टाइप, इरिगेशन के एडवांटेज डिसएडवांटेज, कुछ इम्पोर्टेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और इरिगेशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टेक्निकल टर्म्स और क्रॉप्स के बारे में, क्रॉप सीजन्स और वैरायटी ऑफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ा डिटेल में, ठीक है। और उसी कड़ी के अंदर आज जो हमने पिछली बार कुछ टेक्निकल टर्म्स पढ़े थे उन्हीं को कंबाइन करते हुए, आज कंटिन्यू करते हुए एक नए वीडियो को लेकर आ रहा हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे इरिगेशन के जितने भी टेक्निकल टर्म्स थे उनके आपस में कॉम्बिनेशन से कौन कौन सी क्वांटिटीज को कैलकुलेट किया जा सकता है। सेकंड, इरिगेशन की कौन कौन सी एफिशिएंसीज होती है, इरिगेशन के टाइम को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, एक्चुअल एरिया ऑफ इरिगेशन को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। होपफुली आप लोग पढ़ रहे होंगे पीछे का लेक्चर। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इरिगेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सीक्वेंस में चलता है, जब तक आप पुराने लेक्चर्स नहीं देखेंगे आपको आगे वाले लेक्चर समझ में ढंग से नहीं आएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा पुराने लेक्चर्स को ढंग से पढ़िए, उसके बाद अपने वीडियोस को कंटिन्यू देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग से है, काफ़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बस उन्हें ध्यान रखते रहना है और इंटरकनेक्ट करते हुए उनको पढ़ते रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के नए टॉपिक के साथ। तो पिछली बार हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी, जैसे CCA है ना, क्या था CCA का फुल फॉर्म, GCA की फुल फॉर्म थी ग्रॉस कल्टीवेटेड एरिया, और CCA की फुल फॉर्म थी एक्चुअल कल्टीवेटेड एरिया को CCA रिप्रेजेंट करता था। अगर आपको CCA निकालना है जिसको कल्टीवेटेड कमांड एरिया बोलते हैं और GCA ग्रॉस कमांड एरिया बोलते हैं, अगर आपको कल्टीवेटेड कमांड एरिया कैलकुलेट करनी है तो ग्रॉस कमांड एरिया को जब आप प्रेसिपिटेशन या P से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास CCA आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको एक्चुअल एरिया ऑफ फील्ड अंडर ईच क्रॉप कैलकुलेट करना हो, यानी वो एरिया कैलकुलेट करना हो आपको जो कि एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए इस्तेमाल कर हो रहा हो या फिर कल्टीवेटेड कमांड एरिया के अंदर इस्तेमाल हो रहा हो, तो उस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए जब आप कल्टीवेटेड कमांड एरिया को इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप एरिया ऑफ क्रॉप को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिलेशनशिप आप सबने पढ़ा ही था, ड्यूटी और डेल्टा, ये एक ऐसा फार्मूला है जिससे रिलेटेड का बहुत क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम ले लीजिए, इरिगेशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो वो ड्यूटी डेल्टा और बेस पीरियड से रिलेटेड ज़रूर आपसे पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना है, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ड्यूटी पूछी गई है 8.64 B अपॉन में डेल्टा से इस्तेमाल इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। और इनकी यूनिट्स का विशेष ध्यान रखना है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाई थी। नेक्स्ट आता है आपका, अगर आपको एक किसी पर्टिकुलर क्रॉप की डिस्चार्ज एरिया को कैलकुलेट करना हो, है ना, डिस्चार्ज एरिया पर से पर्टिकुलर क्रॉप के आपको कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। आपको सबसे पहले उस क्रॉप की ड्यूटी पता होनी चाहिए, उस ड्यूटी से जब आप एरिया ऑफ क्रॉप को डिवाइड करेंगे तो आपको एक्चुअल डिस्चार्ज मिल जाएगा, ठीक है ना। देखिए आपके सामने फार्मूला लिख रखा है D=A/Q, क्योंकि ड्यूटी की यूनिटी एरिया अपॉन डिस्चार्ज के रूप में होती है, हेक्टेयर अपॉन क्यूमैक, तो हेक्टेयर एरिया की यूनिट है और क्यूमैक मीटर क्यूब पर सेकंड भी कह सकते हैं, इसको डिस्चार्ज की यूनिट है। तो हम इसको इससे D को इंटरचेंज करके लिखा सकते हैं,
तो जैसे आपको चावल का डिस्चार्ज निकालना है कि चावल की खेती के लिए आपको कितने डिस्चार्ज ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो आपको वो एरिया पता होना चाहिए जिस पे चावल की खेती की जा रही है, और आपको ड्यूटी पता होना चाहिए, उन दोनों का रेशो ले तो आप राई राइस का एक डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। इसी प्रकार नीचे आटे का यानी वीट का भी लिख रखा है, सेम चीज़ है, बस अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब नीचे आपको दे रखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस क्रॉप सिस्टम के। अगर आपको डिस्चार्ज निकालना है कैनाल से, मान लीजिए आपको पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर डिस्चार्ज आइडेंटिफाई करना है, ओवरऑल डिस्चार्ज आइडेंटिफाई करना है, तो उसमें आप सारे डिस्चार्ज जिसमें खरीफ, शुगर, राइस, मक्का, बाजरा, शुगर, जो भी इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तीन ये मेन फसलें होती है जिनको सबसे ज़्यादा खरीफ में इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो आप राइस, मक्का और बाजरा और शुगर के डिस्चार्ज को कैलकुलेट करके पहला कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। दूसरे कॉम्बिनेशन रबी और शुगर का होता है, रबी को वीट, ग्राम और मस्ट में भी कर सकते हैं, कि एक तरीके से वीट यानी गेहूँ, ग्राम यानी चना, मिस्ट और प्लस शुगर का जो डिस्चार्ज होता है, इन सब डिस्चार्ज को जोड़ के आप सेकंड कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन मैंने बताया था हॉट वेदर क्रॉप्स, जिनको आप जैद की फसल कहते हैं, उसका डिस्चार्ज और शुगर के डिस्चार्ज को आपस में जोड़ दें तो आपके पास थर्ड कॉम्बिनेशन बनता है डिस्चार्ज का। इन तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू आती है इन तीनों कॉम्बिनेशन में से जिसकी भी, उसको एक्चुअल डिस्चार्ज के रूप में कैनाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये चीज़ थोड़ी सी हमें ध्यान रखनी है। ठीक है ना, आपको अगर तीन फैक्टर जैसे कैनाल के फ्लो के अंदर होने वाले लॉसेस, देखिए कोई भी चीज़ की एफिशिएंसी 100% नहीं होती, कोई ना कोई लॉस तो होता ही है, अगर आपको वो टाइम पर कैलकुलेट कर लिए गए हो, टाइम फैक्टर पता हो और कैपेसिटी फैक्टर पता हो, तो आप डिस्चार्ज डिज़ाइन डिस्चार्ज कैनाल का निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ऊपर जो हमने कॉम्बिनेशन देखे थे उनसे जो मैक्सिमम डिस्चार्ज आएगा ग्रेटेस्ट, उसको कैनाल लॉस टाइम फैक्टर और कैपेसिटी फैक्टर से अगर डिवाइड कर दें, इनके मल्टीप्लिकेशन से, तो आपके पास एक्चुअल डिज़ाइन डिस्चार्ज आ जाएगा आपका कैनाल का। ठीक है ना, ये न्यूमेरिकल एक छोटा सा ऐसे ही बताया था। नेक्स्ट आता है आपका एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ इरिगेशन, कि इरिगेशन के अंदर हमें कितने टाइम की आवश्यकता होती है, कितना टाइम लगता है पर्टिकुलर इरिगेशन के लिए, अगर उसकी बात की जाए तो फिगर देख लीजिए आप। एक कैनाल चल रही है, कैनाल के एक आउटलेट है, उस आउटलेट का से टोटल एरिया आपको लैंड देख रखा है, हमने छोटा सा एक इनफिल्ट्रेशन रेट के लिए छोटा सा एरिया डीए कंसिडर कर लिया जिसपे डेप्थ ऑफ वाटर वाई जा रही है, और इनफिल्ट्रेशन रेट अगर आपकी एफ है, तो अगर टोटल वॉल्यूम अप्लाई जो आप कर रहे हैं लैंड पे वो इक्वल होगा जितना पानी इनफिल्ट्रेट होके मिट्टी को गीला करेगा, प्लस जो पानी का वॉल्यूम खड़ा रहेगा फील्ड में, उनको अगर हम जोड़ दें तो वो आपके टोटल डिस्चार्ज को डिफाइन करता है। तो इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम इस पूरे डेरिवेशन को नहीं देखना है, लास्ट के अंदर ये ग्रीन कलर से आप देख सकते हैं एक फार्मूला दिख रहा है आपके स्क्रीन, आपको टाइम ऑफ इरिगेशन का, इसको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ठीक है ना, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इस्तेमाल याद कर सकते हैं। 2.303 y/f, ध्यान दीजिएगा ये वाई है, कोई और सिंबल नहीं है। वाई क्या होता है, डेप्थ ऑफ वाटर, एफ होता है आपका इनफिल्ट्रेशन, और क्यू डिस्चार्ज है, तो ये आपके टाइम ऑफ इरिगेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, इसी के साथ चलिए आगे चलते हैं। एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम एरिया इरिगेटेड, तो नीचे छोटा सा फॉर्मूला है, अगर आपको इनफिल्ट्रेशन रेट पता है और डिस्चार्ज पता है मैक्सिमम, तो आप डिस्चार्ज का फिल्ट्रेशन रेट से रेशो निकाल कर मैक्सिमम एरिया किसी पर्टिकुलर इरिगेशन प्रोजेक्ट द्वारा किया गया आप
कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल से फार्मूले हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए फार्मूले इम्पॉर्टेंट हैं, डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो वो तो ठीक है, मेरे नोट्स में लिखी हुई है, आप देख सकते हैं, लेकिन आप इनको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूले ही आपको याद करने हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, वो है आपकी इरीगेशन की एफिशेंसीज, ठीक है ना। कुल 5 प्रकार की इरीगेशन एफिशेंसीज हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे नंबर आती है आपकी एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेंस, जिसको NE से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज कीजिए आपकी एक चैनल है, ठीक है, जिससे पानी सप्लाई हो रहा है, तो उसके एंड पॉइंट से जो पानी सप्लाई हो रहा है फील्ड में, उस डिस्चार्ज का रेशो एंट्री पॉइंट पे एंटर होने वाले पानी के डिस्चार्ज से लिया जाए, तो वो एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। देखिए एफिशिएंसी इसलिए निकालनी पड़ेगी क्योंकि ट्रांसपोर्ट करते इस टाइम, कन्वेंस करते टाइम कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे, उस लॉसेस के कारण कुछ ना कुछ डिस्चार्ज के अंदर लॉस आ जाता है, और इसी कारण ट्रांसमिशन लॉस को और कन्वेंस लॉस को कंसिडर करते हुए ये कैलकुलेट किया गया है। तो इसका फॉर्मूला होता है, मान लीजिए Q2 क्या है, आपके फील्ड के ऊपर आउटलेट के ऊपर दिया गया डिस्चार्ज, Q1 क्या था, इनिशियल डिस्चार्ज, तो Q2 अपॉन Q1 का रेशो लेंगे या परसेंटेज में निकालेंगे तो वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी NE को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आता है आपका एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन NA। अब देखिए आपने फील्ड के अंदर एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए पानी को सप्लाई किया, वो पानी अगर पौधों जो पानी उसमें से पानी की सॉरी पौधों की जड़ों में स्टोर हो जाएगा, उस अमाउंट का या उस वॉल्यूम का जो आपने एक्चुअली फील्ड के अंदर डिलीवर किया पानी, या वो पानी जिसका वॉल्यूम आपने फील्ड में सप्लाई किया, उन दोनों का रेशो लिया जाए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो वो आपके वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है। फिर से बता देता हूँ, किसी भी इरिगेशन प्रोजेक्ट में पौधों की जड़ों में सेव होने वाले पानी का वॉल्यूम और फील्ड के अंदर सप्लाई किए गए पानी के वॉल्यूम का जब रेशो लिया जाता है, तो वो आपके एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन NA को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सिंपल सा है फॉर्मूला, आपको ध्यान रखना है इसका। एफिशिएंसी ऑफ वाटर स्टोरेज, देखिए एक फसल है, सब इस्तेमाल एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, एक चावल की फसल है, तो इरिगेशन से पहले आप ये पता लगाते हैं कि चावल की फसल को कितने पानी की आवश्यकता है, या उसकी जड़ों को कितने पानी को स्टोर करने की आवश्यकता है, वो अमाउंट आपने कैलकुलेट कर लिया। समझ लीजिए वो आया आपका 100 ml आ गया, ठीक है, और आपने एक्चुअल के अंदर 80 ml फील्ड के अंदर अप्लाई किया चावल की फसल के लिए, तो 80/100 का जो रेशो है वो आपका वाटर स्टोरेज कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। यानी किताबों में तो हमने पढ़ा कि 100 ml रिक्वायरमेंट है, लेकिन एक्चुअल में 80 ml ही जड़ों के अंदर स्टोर हुआ, तो एक्चुअल स्टोर होने वाला और जो हमने इरिगेशन से पहले पानी का वॉल्यूम कैलकुलेट किया था रूट जोन के लिए, इसका रेशो लिया जाए तो वो आपके वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और स्टोरेज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, स्टोरेज ऑफ वाटर यूज, ये एक्चुअली उस अमाउंट ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करता है जो एक्चुअली पौधों द्वारा इस्तेमाल की जाती है अपनी ग्रोथ में। एक्स्ट्रा पानी अगर बह गया हो या इकट्ठा हुआ हो, उसको ध्यान में नहीं रखते हुए पौधों द्वारा वास्तविकता में जो पानी इस्तेमाल किया जाता है अपनी ग्रोथ के लिए, वो एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है V5/V2, ये आप नंबरिंग छोड़ सकते हैं, यानी आपने सप्लाई किया था V2 या V अमाउंट वाटर सप्लाई किया, और उसका V5 अमाउंट ही का यूज आया पौधों के अंदर, तो V5/V2 करें। ये एक सिंबल है, इनसे कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिर्फ समझाने के लिए सिंबल है। तो
तो इनको अगर आप रेशो के रूप में लेना चाहें तो इनका रेशो लें तो आपको वो वाटर यूज़ एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करेगा। लास्ट एफिशिएंसी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट एफिशिएंसी एक्चुअल उस एक्सटेंट को यानी उस गहराई को दर्शाती है जहाँ तक आपका पानी पेड़ों की जड़ों में पेनिट्रेट करेगा, ठीक है ना। सीधे शब्दों में कहा जाए पानी के जमीन के अंदर पेनिट्रेट करने की कैपेसिटी जो कि पौधों द्वारा इस्तेमाल की जा सकती है वो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी ND कहलाती है। ND का फॉर्मूला 1 - d अपॉन D ब्रैकेट बंद ×100 होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इससे रिलेटेड छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे D क्या है, एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है, यानी एवरेज कितना पानी पेनिट्रेट करता है जमीन के अंदर, और d क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पेनिट्रेशन डेप्थ, यानी वास्तविकता में एक किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए कितना अमाउंट ऑफ वाटर पेनिट्रेट करता है, ये आपका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी से पता चलता है, ठीक है। तो ये थी कुछ इरिगेशन की एफिशिएंसीज, इनसे रिलेटेड डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बेस्ड या फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि एफिशिएंसी वाटर यूज़ बताओ, तो आपको स्टेटमेंट दे देंगे आपको रेशो को कैलकुलेट करना है, या आपको वाटर यूज़ एफिशिएंसी पूछ सकते हैं, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी पूछ सकते हैं, या एफिशिएंसी वाटर स्टोरेज पूछ सकते हैं। ये डायरेक्ट रिलेशन आप लोगों को याद होने चाहिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम आप इनको डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकें, ठीक है ना। इनसे रिलेटेड कई बार आपको ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे। छोटे छोटे फार्मूले हैं, यही आपकी पूरी इरिगेशन के अंदर सारे फार्मूले छोटे छोटे ही हैं, ठीक है ना, और खूब सारे हैं। इनको याद करते चलो, इनका मतलब समझते चलो, आसानी से सब्जेक्ट आपका कवर अप हो जाएगा। अगले चैप्टर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मैं रोहित प्यास साइनिंग ऑफ, थैंक यू।